सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं अफू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। तो कैसे, मतलब नंबर आपको कैसे मिला? अरे एक साथी ने ना आपका नंबर दिया था, बोले थे मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इनसे बात कर लेना तकलीफ के ऊपर, ये आपको समझा देंगे। तो वही मैंने जानकारी के लिए फोन किया था। सलमान भाई उनका नाम है क्या? हाँ शायद, नाम याद नहीं है मेरे को, कम से कम 8-10 दिन पहले नंबर दिया था, तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो यही जानना था तकलीफ जो है इसको वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया या इमाम साहब ने किया? एक मिनट, नहीं मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ कि आप तकलीफ के बारे में, आप तकलीफ के बारे में क्या कहते हैं? तकलीफ नहीं, हम तो जानने के लिए आपने फोन किया ना। आप माशाल्लाह आलिम दीन है, मुफ्ती है, फोन आपने किया है ना। हाँ तो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, सुनिए ना, आप जानकार होंगी ना इस मसले के अंदर। नहीं नहीं, हम तो आपको बताएंगे, पहले हम समझ तो लें आपके नजदीक क्या है तकलीफ। एक मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ कि फोन आपने किया है, जानकारी उन्होंने आपको नंबर दिया, तो आप कुछ सोच के फोन की होंगी, आपके नजदीक भी तो कुछ होगा ना। हाँ मेरे नजदीक हम बता रहे हैं ना, परेशान न होइए, सुकून से बात कीजिए ना। बताइए, क्योंकि फोन तो आप ही ने उस दिन किया था ना। तो हमने उनसे क्या कहा था कि आप पहले आओ हमारे सामने बैठो। नहीं तो क्या फोन पे, फोन पे बात करना मना है क्या? आपके इमाम साहब ने मना किया है क्या फोन पे दिन की बात ना करना? आप, मैं क्या सवाल कर रहा हूँ कि आप तकलीफ के बारे में क्या हुक्म लगाते हैं आप? नहीं, हम तो ये कहते हैं जो मेरे भाई ये तकलीफ है ये दीन इस्लाम में है ही नहीं, और जो कहता है कि चारों इमाम बरहक हैं और एक इमाम की तकलीफ करना वाजिब है, ये मेरे भाई दीन इस्लाम के ऊपर बहुत बड़ा झूठ है, बोतान है। अगर ये वाजिब है तो बताइए इसको अल्लाह ने वाजिब किया या अल्लाह के नबी ने वाजिब किया या इमाम अबू हनीफा ने वाजिब किया? हजरत, अरे भाई मैं आपसे क्या सवाल कर रहा था, हर हर चीज। देखिए मुफ्ती साहब आप हैं, सवाल आप हमसे कर रहे हैं, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। या तो आप कह दीजिए कि आप झोला छा मुफ्ती, आपको कुछ नहीं आता। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूँ, समझ गए? सुनिए आगे कि तकलीद हमारे नजदीक एक आम शख्स के लिए वाजिब है जो कुरान और हदीस का माना ना समझता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसको वाजिब मेरे भाई क्या अल्लाह ने किया, अल्लाह के नबी ने किया या आपके इमाम साहब ने किया, वाजिब की दलील क्या है? दलील दे रहे ना, सुनिए ना। जी, कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। इससे तो रद्द है तकलीद का। अरे मेरी बात सुनिए आप। हाँ सूरह निसा नंबर 4 आयत नंबर 59 में तकलीद का रद्द है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में जो तुम्हारे बड़े हैं हाकिम हैं उनकी बात को मानो। अगर उनमें आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास, अगर तुम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो। हाँ उलिल अम्र की बात में अगर इख्तलाफ हो जाएगा तो लौटना पड़ेगा ना अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ, तो ऑटोमेटिक रद्द हो गया तकलीफ का। एक मिनट भाई, इख्तलाफ की बात दूसरी है, वो तो आगे आप जा रहे हैं। नहीं तो इसमें तकलीफ नहीं है ना, इसमें तो इत्तबा है ना, इत्तबा। एक मिनट तकलीद इत्तबा में। अरे भाई एक मिनट बोल के आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे, या तो आप ही मेरे भाई समझा लो या तो मेरे से पूछ लो। नहीं, आप तकलीद इत्तबा में फर्क दिखला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिखला सकते हैं। इत्तबा जो होती है वो मेरे भाई दलील के साथ होती है, और जो मेरे भाई जो आप लोग करते हो तकलीद होती है बिना दलील के। अल्लाह ताला ने कौन सी आयत में कहा है कि तुम लोग बिना दलील के बड़ों की बात को मान लो? उलिल अम्री मिनकुम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसकी तफसीर आपने कुरान और हदीस में देखी है क्या? हाँ तफसीर देखी, आप लोग पेश करोगे तफसीर इब्ने अब्बास में आता है कि जो ये जो है उलिल अम्र, इनसे जो मेरे भाई जो माना है मुराद है वो है फुका इमाम। तो हम खुद कह रहे हैं इमामों में मेरे भाई आपस में इख्तलाफ हो जाएगा तो लौटना आपको अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ पड़ेगा ना। इख्तलाफ होगा तब ना यार। अरे तो पूरी आयत पढ़ो ना मेरे भाई, आपको आप कितने मुफ्ती बना दिया, आधी आयत से मेरे भाई अपना क्या साबित कर दोगे भाई? अरे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, मेरे प्यारे देवबंदी हनफी मुकल्लिफ, आप ये बताइए आधी आयत से क्या आप कोई मसला मेरे भाई अपने को से बना लोगे? तो आप लोग करते हैं आपके। अभी अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि नमाज के करीब ना जाओ, ठीक है? अब क्या आधी आयत से मेरे भाई नमाज पढ़ना छोड़ दोगे आप? पूरी आयत पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई नमाज में नशे की हालत में ना जाओ,
नमाज के करीब। अरे आप क्या क्या बोल रहे हैं, मसला टॉपिक भाई आप देखिए, आप अपने आदम को बोलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये हनफियों की आदत होती है, जहाँ देखते हैं कि कोई मेरे भाई बिल्कुल मेरी एकदम वाट मेरे भाई लगाने वाला है, वैसे आप लोग बोलने नहीं देते हो। रसूल हाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह आखिर चल मैंने पूरी आयत पढ़ी, चलिए आयत पढ़ दी है, अब आप समझ गए ना कि इसमें मेरे भाई रद्द हो रहा है तकलीफ का। सुनिए ना, कहाँ रद्द हो रहा है, आपका दिखला दीजिए, रद्द आपको बताते हैं कहाँ पे हो रहा है। चलिए ठीक है बताइए, अरे हम समझा रहे हैं ना आपको, अब आपको समझना भी नहीं रद्द कहाँ पे हो रहा है। आप क्या माना, आप अंदाज में बात कीजिए ना मेरे प्यारे भाई, आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं तो थोड़ी देर मेरे भाई बोलिए, थोड़ी देर सुनिए, अपने आलिमाना अंदाज में मेरी पहली बात सुनिए। अल्लाह ताला ने तीन चीज को एक साथ बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तीनों को एक साथ बयान, एक साथ नहीं बयान किया है। अरबी से पैदल है आप, अरबी नहीं आती आपको, ठीक है। ये तो क्या है, इताअत का जो मेरे भाई लफ्ज है वो मेरे भाई अल्लाह के साथ खास है और अल्लाह के रसूल के साथ। अरे भाई सुनो पहले, अब तुम अब नहीं बोलने देंगे, बहुत बोल दिया, बहुत मेरे भाई लोगों को आप बेवकूफ बना दिया। अब सुनो, आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपकी मदरसे में भी आपको नहीं, आपके आलिमों ने बताई होगी। अरबी के जो ये आयत आप पेश कर रहे हैं, अरबी के उसूल से भाई आप अल्लाह माफ करे अनजान है, पैदल है, ठीक है। तो आप सुनिए मेरी बात, अरे भाई आपको नहीं सुनना है, अकेले बोलते रहना है। हाँ चलिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे भाई इस आयत में जो इताअत है वो अल्लाह के साथ खास है और अल्लाह के नबी के साथ खास है। जो ये उलिल अम्र है ये अल्लाह और अल्लाह के नबी के मोहताज हैं। अगर ये जो मेरे भाई इमाम है ये अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को बताएंगे तो हम उसको मानेंगे, लेकिन अगर इनमें आपस में इख्तलाफ होगा तो वापस हमको मेरे भाई लौटना पड़ेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, अगर हम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हैं तो। और आप लोग के पास तकलीफ की तारीफ क्या है, तकलीफ की तारीफ ये है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, उस अमल का नाम तकलीफ है। आप या तकलीफ साबित कीजिए ना कुरान से। ये आपने मतलब बयान किया ना इस आयत का, मैंने नहीं बताया भैया, ये भाई ये हमने मतलब की उसूल की किताबों में बल्कि उतरा हुआ है तारीफ। चलो ये तारीफ ने आपने जो आयत का मतलब बयान किया कि देखो अल्लाह की इताअत जरूरी है, रसूलुल्लाह व अतीउ रसूल, यानी कि यहाँ पे जो इताअत का जो मेरे भाई अल्फाज है अरबी में वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ खास है। तो कहा अगर कुरान और हदीस जो फुका है वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के मोहताज हैं, खुद अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ उनको ना जोड़िए। अरे मेरी बात सुनेंगे आप, कहा अल्लाह और रसूल के मोहताज हैं, यानी वो कुरान और हदीस से जो मसला बयान करेंगे हम उसको मानेंगे। हाँ तो जो कुरान हदीस से मेरे भाई मसला बयान करेंगे वो तो इत्तबा होगी ना, तकलीफ थोड़ी ना होगी। भाई अच्छा, जो जो बात दलील के मसला बताएंगे वो तो इत्तबा हो जाएगी, जो बिना दलील के मसला बताएंगे वो तकलीफ हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, इसके बाद तकलीफ पर भी मैं बहस करूंगा, पहले मेरी बात सुनिए कि ये जो है यानी फुकहा ने जो बात की वो कुरान हदीस के खिलाफ बात की क्या? हाँ बहुत सारी जगह की है। इसका मतलब लोग जहन्नम में जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे जो कुरान हदीस के खिलाफ मतलब बयान करेगा वो जहन्नम में जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मेरे भाई आलिम दीन होता है, ठीक है, मुज्तहिद होता है, अगर वो मेरे भाई इतिहाद करता है और अपनी पूरी तहकीक पेश करता है, अगर उससे मेरे भाई जो बात होती है नतीजा होता है अगर वो सही होता है तो उसको दो नेकियां हैं, और अगर उससे चूक हो जाती है तो भी उसको एक नेकी है। तो इमाम साहब तो बच जाएंगे, लेकिन जो उनके पीछे चलने वाले अंधे मुकल्लिद हैं वो जहन्नम में जाएंगे। आम आदमी जो है जो ना, अरे आम आदमी कोई नहीं है, आम आदमी सबको दीन पता है, ये जो दीन इस्लाम है ये आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए नहीं है। आप ये बताइए मुफ्ती साहब कि अपना दीन इस्लाम इतना आसान है वो आम आदमियों के लिए या खास आदमियों के लिए? एक मिनट आप, अरे भाई आप मोबाइल पे तो मेरे को सुनने नहीं दे रहे हैं, सुनिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मोबाइल पे आप भी इतनी देर से बोल रहे हैं अल्लाह के बंदे, देखिए आप जो मेरे भाई रिकॉर्डिंग है ये मेरे भाई टेप हो रही है, तो जो भी बोलेगा तो समझ के बोलिएगा क्योंकि ये मेरे भाई आवाम सुने। मैं भी कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए कि क्या गैर मुकल्लिदीन में जितने आम गैर मुकल्लिद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे, अशरफ अली थानवी ने अपनी कलम से लिखा है। अरे मेरे सवाल का जवाब, हमें गैर मुकल्लिद ना कहिए, गैर मुकल्लिद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह थे, ठीक है, हम तो अहले सुन्नत मुतबे सुन्नत है।
जी तो सुन्नत के पैरवी आप कैसे करेंगे? कुरान और हदीस को समझेंगे तब ना करेंगे? हाँ तो कुरान हदीस समझने के लिए क्या मेरे भाई इत्तबा करनी पड़ेगी या हमको तकलीद करनी पड़ेगी? फिर इत्तबा तकलीद के ऊपर, अरे मेरे भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जैसे अरे टॉपिक तकलीद है ना मेरे भाई, तकलीद पे बात कीजिए ना मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब बोलिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि सलमान भाई ने आपको नंबर दिया यहाँ। अरे वो नंबर किसने दिया वो आप बताइए मुझे, इतना बता दीजिए तकलीद आप उसको वाजिब कह रहे हैं, वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने किया? मेरी बात सुनो, सलमान भाई जो है एक जाहिल आदमी है, उनको अरे जाहिल तो मुकल्लिद होता है, इस पे इजमा है अहले इल्म का। अच्छा तो आप क्या है, आप आलिम है क्या? अहले हदीस का बच्चा बच्चा आलिम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस का बच्चा बच्चा आलिम होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? अहले हदीस को मालूम होता है कि उसका रब कौन है, उसका अल्लाह कौन है, उसका नबी कौन है, अकीदा तौहीद क्या है, तो इस माने में अहले हदीस का बच्चा बच्चा अहले इल्म होता है यानी कि आलिम होता है। खान घराने में जब बच्चा पैदा होगा, लेकिन कुरान और हदीस की जो इतनी सारी किताबें ज़खीरा अहादीस वो हर कोई समझ जाएगा क्या? नहीं तो हर कोई नहीं समझेगा, तो क्या उसके लिए मेरे भाई क्या हमको अमेरिका से पूरी मेरे भाई डिग्री हासिल करना पड़ेगा? आपके बड़े बड़े आलिम सुन्नत किताब खोल के देखिए, आपके बड़े आलिम ने लिखा भाई, हमारे बड़े आलिम और आपके बड़े आलिम ये सब हटाइए, आप हमको इतना बता दीजिए क्या ये दीन इस्लाम ये आम आदमियों के लिए है या खास आदमियों के लिए? जो तकलीफ अरे तकलीफ तो दीन इस्लाम में है नहीं ना, पहले आप मेरे भाई तकलीफ साबित तो करो कि दीन इस्लाम में है। अगर तकलीफ अल्लाह के नबी ने तकलीफ कब की, सहाबा ने तकलीफ कब की, ताबाइन ने तकलीफ कब की, तबे ताबाइन ने भाई कब की, यहाँ तक कि चारों इमामों ने कब की तकलीफ, ये कहाँ से लेके आ गए तकलीफ दीन में मेरे पे डालने के लिए? अच्छा मैं तो आप ही बोलेंगे जी, बताइए पूछ रहे ना कि तकलीफ कहाँ है, मैं आपको जवाब दूंगा ना। हाँ तो दीजिए, कब ये बात बताइए कि किसी हदीस के यार मुफ्ती साहब आप हैं या मेरे भाई आपने हमको मान लिया मुफ्ती? मुफ्ती का काम होता है कि आवाम उससे सवाल करे तो उसको मेरे भाई जवाब दे दलील से, ये कयासी बातें ना करे। कयासी बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, पहले बात पूछो। आप तो सवाल कर रहे हैं, या तो आप मेरे भाई आपके जो मेरे भाई डिग्री है मुफ्ती की वो आप मेरे नाम कर दीजिए, उसके बाद उनसे सवाल कीजिए। बच्चा बच्चा आलिम होता आपने कहा ना, अच्छा मैं आलिम मान के पूछ रहे हैं, चलिए पूछिए, एक नहीं दस सवाल पूछिए, दस सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूछिए, सवाल कर रहा हूँ कि किसी हदीस के सही या ज़ईफ होने का हुक्म कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा हदीस सही है ज़ईफ, तो बताइए। अरे ये तो हदीसों के उसूल है ना, ये तो मेरे भाई हनफी और मेरे भाई हमारा अल्लाह ने बनाया है ना, कॉमन है ना, अल्लाह ने या उसके रसूल ने बनाया क्या? हाँ बिल्कुल, अल्लाह और अल्लाह के नबी ने उसूल बनाया, और क्या मेरे भाई आपके बाप दादा ने बनाया क्या? सही की तारीख, हदीसें सही की तारीख अल्लाह, अरे जिसकी हदीस मेरे भाई सही हो, ठीक है, जिसकी जो सनद है मतन है सारे रावी बिल्कुल परफेक्ट हो, उनका जो मेरे भाई हादसा हो बिल्कुल सही हो, कैसे पता अरे दीन में किसी भी चीज की पहचान होती है सनद से, ठीक है, सनद की चेन भाई अगर भाई वो मुतसिल है दीन से टूटी हुई नहीं है, उसके हर मेरे भाई सनद के रावी मेरे भाई पिता है और हाफिजे के तेज हैं, तो वो जो सनद वाली जो मेरे भाई जो हदीस होती है मतन वो सही होता है। 1400 साल के बाद पैदा आपको कैसे पता चलेगा कि उनका हाफिजा तेज था? अरे तो 1400 साल बाद तो आप भी पैदा हुए, तो आपको कैसे पता चला कि इमाम अबू हनीफा ने एक टाइम पे नमाज पढ़ी थी? आपको कैसे पता चलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो भी हनफी होंगे? आपको किसने बता दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हालत ख्वाब में तौबा अल्लाह को देखा? हम भी आपकी बात को रिकॉर्ड, आपको किसने बता दिया कि आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत बड़े मुजतहिद थे? तो आप तो थे नहीं। देखो ये फर्जी सवाल करना बंद करो, ये सब फर्जी सवाल मेरे भाई हमसे ना करो, मतलब फर्जी सवाल हमसे अगर आप करेंगे तो आपके फर्जी सवाल आपकी के मेरे भाई गले में डाल देंगे। अरे यार पता नहीं ऐसे मुफ्तियों को कौन मुफ्ती बना देता, अपने लोगों को मेरे भाई गुमराह करते हो वहाँ के लोगों को। अरे पहले आप टॉपिक सेट करो भाई, आपकी किस पे बात करना है, हदीस के उसूल पे बात करना है, तकलीफ पे बात करना है, एक टॉपिक पे बात करो, ठीक है? ये मेहनत की तरह भागो मत इधर इधर। अरे मुफ्ती साहब मेंढक की तरह भागी मत, कोई एक उनवान बताइए कि आपको तकलीफ पे बात करना है या मेरे भाई उसूल हदीस पे बात करना है, पहले आप खुद फैसला कर लो आपको बात किस पे करना है। तकलीफ नहीं है क्या?
आप बोलिए ना, उसमें हदीस को मानना तकलीफ है। आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मेरे भाई कुरान हदीस की बात को मानना ये तकलीफ नहीं है, ये तबाह है। ताबीन के जमाने की बात, अशरफ अली थानवी ने मेरे भाई बेइज्जती जेवर में उतार के तुम्हारी दुबूर पे लात मार दिया। तुम अपने बाद में आइएगा, आप तकलीफ पर बहस कीजिए, मतलब साबित करना चाह रहे हैं। मतलब अशरफ अली थानवी साहब के बड़े वाले देवबंदी है ना, पहले आमाल पर आएंगे ना, तो उस पर भी हम बात करने को तैयार हैं। किसी पे बात नहीं कर सकते हो क्योंकि हम्फी मुकल्ली जब अपना मुंह खोलता है ना तो उसकी औकात पता चल जाती है कितना उसको जेल है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र मनाओ जो मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, नहीं तुम्हारे सामने तुम्हारी बहती जब फजाइले अमाल खोल खोल के पढ़ पढ़ के तुम मेरे बड़े भी तुम आत्महत्या कर लेते। आप लोग क्या है मालूम है हदीस के सिलसिले? अरे भैया हदीस को मेरे से एक टॉपिक की बात करो ना, तुम गचड़ पचड़ टॉपिक कर दोगे तो भाई क्या बात करेंगे। ये बताओ तकलीफ से क्यों भागे? तकलीफ से नहीं भागा मैं, आप तो बताइए ना तकलीफ वाजिब है। देखिए दावा अरे मैंने ना कि भीख में हमसे मांगे तकलीद वाजिब है। अल्लाह सुबहानहू तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में कुल हातु बुरानकुम इंतुमकुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो सबूत पेश कीजिए, आप दलील दीजिए। दावा आपने किया है कि तकलीद वाजिब है तो आप साबित करेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, कोई मसला कुरान और हदीस में नहीं मिलता। हाँ तो इताअत का जो लफ्ज है वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ है ना, ना कि इमाम के साथ है। ये आप खुद ही आयत पढ़ रहे हो, खुद ही नहीं समझ रहे हो, तो इसमें आपकी गलती है ना। हम कुरान और हदीस सुनिए, हम जो फोका की भाई तकलीफ पहले है क्या, ये कौन सा खिलौना है, कौन सी चिड़िया है, पहले उसके बारे में आप बताइए। एक मिनट, बात झगड़ा कब होगा या ये देखिए भाई, जब हम फोका की बात उन मसले में माने जो कुरान के खिलाफ हो या हदीस के खिलाफ हो ना, तो पहले तो हम तो कुरान की बात नहीं 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 नहीं, नहीं आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो माए हैं वो अपने बच्चों को 2.5 साल दूध पिलाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहता है कि माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाए, तो ये खिलाफ हुआ कि नहीं? अब अगर आपने अंधेपन में अपने इमाम की बात को मान के, सुनो पहले मेरी बात, अगर आपने अंधेपन में मेरे भाई अपने इमाम की बात को मान लिया और अल्लाह की बात को छोड़ दिया तो ये तकलीद है। आपने मसला बयान किया ना, अब मैं आपको बताऊँ इसके ऊपर, आप फंस गए यहाँ पर, क्या बोलूँ? हमारे फतावी किताब आपने खोल के देखा? अरे हाँ मुस्ताब, हाँ एक मेरे भाई जो फतवे होते हैं दो तरह के होते हैं, जिसके ऊपर मेरे भाई एक पे फतवा होता है एक पे फतवा नहीं होता। उन्हीं मसाइल में मानते जो कुरान के मुताबिक हो, कुरान के मुताबिक नहीं होगा तो हम भी। अरे तो जो कुरान के मुताबिक होगा उसमें तो इतबा होगी ना, तकलीद वो होगी नहीं। तो हम फुकहा की बात मानते हैं, फुकहा की बात मानना बदलील के ये इतबा है, यानी कि तकलीफ कोई करता ही नहीं इस दुनिया में। आप खुद गैर मुकल्लिद साबित हो गए। अरे भाई हम भाई आप खुद गैर मुकल्लिद साबित हो गए, क्योंकि आप खुद अभी आपने इकरार कर लिया कि आप अपने इमाम की तभी बात मानते हो जो कुरान हदीस से साबित होती है, यानी कि दलील के साथ मानते हो। तो जो बात दलील के साथ होती है उसी का नाम इत्तबा है, और जो तकलीफ है वो होती है बिना दलील के। जो मतलब कुरान और हदीस में होगा उसको आप क्या कहें साबित करेंगे? जो मतलब कुरान और हदीस में नहीं होगा, कौन सा मसला ऐसा है जो कुरान हदीस में ना हो? चलो चैलेंज कर रहे हो तुम्हें, बताओ। एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ। बताओ मेरे भाई, भैंस को लिया हो, मच्छर मक्खी को लिया हो, जिसको लेना है वो लिया। पहले मैं एक हदीस पूछता हूँ, सुनिए। हजरत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह के नबी जमीन भेज रहे थे। हाँ भेज रहे थे, तो उनसे कहा था कि फैसला पहले तुम कुरान से देना, फिर हदीस से देना, फिर अमले साहबा को देखना, उसके बाद मेरे भाई इजमा देखना, उसके बाद कयास करना। ठीक है, वहाँ पर अमले साहबा का क्या नहीं है? अल्लाह के नबी ने ये कहा कि अगर कोई मतलब सुन्नत ना मिले तो। अरे हाँ उसमें कयास आता है तो ठीक, उसके आगे बताओ। ये सब हदीसें मेरे भाई हराम नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हर मसला सुन्नत में भी नहीं है? कैसे साहब? अरे आपको टाइम नहीं है, आप मेरे भाई एक नंबर के मेरे भाई, देखिए आप ऐसा बात, आप मेरे भाई जाहिल हो गए, पूछे क्यों? आपका ईमान ऐसा है, आपका कीदा ऐसा है कि मेरे भाई कुरान हदीस में दीन मेरे भाई है ही नहीं, आपका ऐसा मसला है? नहीं है भाई, भैया तुम्हारे हनफी आलिम कहते हैं कि कुरान हदीस में का कयामत तक मेरे भाई तमाम आने वाले मसले मसाइले, कुछ मेरे भाई जाहिरी तौर से हैं और कुछ बातनी तौर से हैं। जो बातनी तौर से हैं छुपे हुए हैं, उनको जो मेरे भाई मुजतहिद होता है वो अपना कयास करके उसको लोगों को बताता है। आज बहस के मसाइल है भाई, देखिए आप पहले तकलीद साबित कीजिए, हर मसला बिना तकलीद के हल हो जाएगा इंशाल्लाह।
तकलीफ तो इस दुनिया में कोई करता ही नहीं, मेरा दावा है तकलीफ कोई नहीं कर रहा है, आप खुद नहीं कर रहे हो तकलीफ, तकलीफ आप भी करते हैं, कोई तकलीफ नहीं करता है इस दुनिया में, सब गैर मुकल्लिद है। हदीस को मानना ये भी तकलीफ है, मैं तो आपको कह रहा हूँ हदीस एक एक उसूल कुरान हदीस से साबित है, साबित कीजिए ना हदीस से सही की तारीफ किस हदीस से कर दीजिए, आप हदीस से सही की तारीफ हदीस से कर दीजिए, अगर चलिए आइए आइए कर देते हैं ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर बीच में आपने टोका टाकी की तो हम समझ जाएंगे कि मेरे भाई आप मेरे भाई बात करने के मूड में नहीं हो, डर हदीस में होना चाहिए, ये सुन लीजिए देखिए मोहसिन ने जो मेरे भाई हदीसों को जांचने का जो उसूल बनाया है, पैमाना बनाया है, वो बनाया है सनद, अब सनद के जो रावी हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं ये उन्होंने कहां से भाई इसको लिया, ये अल्लाह सुबहान व तआला कुरान में फरमाता है सूरह हुजरात में कि जब कोई फासिक तुम तक कोई बात को लेके आए तो उसको आगे पहुंचाने से पहले उसकी तहकीक कर लिया करो, तो जो मेरे भाई जो हमारे मौद्दिस थे उन्होंने ये उसूल बनाया कि जो रावी है उसको देखा जाएगा कि वो फासिक है या वो सादिक है, तो ये पहला उसूल है सनद को जांचने का कि जो रावी है वो कौन है भाई, वो सच्चा है झूठा है कज्जाब है मुनकिर है, कहाँ पैदा हुआ, कुनियत क्या थी, ठीक है उम्र कितनी थी, हाफिजा उसका तेज है या कमजोर है, ये सब मेरे भाई कहाँ से आया, ये कुरान की आयत से उसूल लिया, आई बात समझ में, तो इस तरीके से मेरे भाई जितने उसूल आप जाएंगे सब पे कुरान और हदीस की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे दलील मौजूद है, मोहद्दिसीन ने तुम्हारी तरह अपनी अकल से दीन थोड़ी ना बना लिया, अब दूसरा ये देखिए मेरे फिर आपने टोका ये सारे हदीसों के एक एक उसूल इंशाल्लाह कुरान हदीस की मेरे भाई रोशनी में साबित करूंगा, लेकिन आप बोलने नहीं दोगे, कुरान की रोशनी में कहा ना कि इस तरीके के उसूल को मुहद्दिसीन ने निकाला, हाँ तो तकलीद आपने कौन सी आयत से निकाला यही तो हम भी पूछ रहे हैं, फुकहा ने जो मसाइल को निकाला क्या वो निकाला क्या, हाँ तो वो तकलीद थोड़ी ना है ना, वो तो दलील मौजूद है ना, हाँ तो अरे भाई अच्छा चलिए ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे हाँ एक सवाल पूछ रहे हैं भाई, आपकी फिका मेरे भाई हनफी में उतरा हुआ है ठीक है, दुर्रे मुख्तार उसकी जिल्द एक सफा नंबर 512 पे कि रोजे की हालत में अगर किसी ने जानवर से बदसेली की तो रोजा उसका फासिद भाई वो नहीं होता, तो ये बताइए, चलिए इसका जवाब दे दीजिए, चलिए जवाब दीजिए, ये कौन सी आयत से साबित है कि रोजा रख के माशाल्लाह जानवर के साथ बदसेली करो, क्या अरे गैर मुकल्लिद हमें ना कहिए, गैर मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे, अशरफ अली थानवी ने अपनी कलम से उतार दिया है, अशरफ अली थानवी ने इमाम अबू हनीफा को गैर मुकल्लिद मेरे भाई लिखा है, पहले तो मैं उसको दे दूंगा ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि तकलीफ की जहाँ तक बात है ना, तो तकलीफ सबों ने माना है, क्या आप अल्लामा इब्न हजर के बारे में क्या फैसला करेंगे, अल्लामा भाई तकलीफ ना तो अल्लाह ने माना है ना अल्लाह के नबी ने माना है ना सहाबा ने माना है ना ताबईन ने माना है ना तबे ताबईन ने माना है ना इमाम बुखारी ने माना है ना मुस्लिम ने माना है ना ही अबू दाऊद ने माना है ना ही मेरे तिर्मिज़ी ने माना है ना ही इब्न माजा ने माना है, किसी ने तकलीफ नहीं माना है, मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ कि तकलीफ का रद्द किया है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद तकलीफ का रद्द किया है, बड़ा मानता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी किसी राय के मेरे किसी कयास के फतवा देने से पहले ये जान लेना कि वो बात मैंने कहाँ से ली है, अगर कोई बिना दलील के मेरी राय या कयास के फतवा देता है तो गोया वो बिल्कुल मेरे भाई अरे गुनाह का काम कर रहा है, हराम काम कर रहा है, आपके सवाल का तो मैं जवाब, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद तकलीफ से मना किया, आप नहीं सुनते तो मैं आपका जवाब क्या दूंगा, अरे मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ कि अल्लामा इब्न हजर आप इतनी देर से सवाल ही तो कर रहे हो, आपको आता जाता कुछ है ही नहीं, मदरसे में नकल करके आप लोग पास होते हो ठीक है, छोटी मोटी आयतों को ताबीर करके सीख लेते हो भाई, आप लोग को आता क्या से बताना ईमानदारी से, मेरे भाई सच सच मेरे भाई बताइए, सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक एक भी आयत आपके समझ में आई आज तक, क्या हर आयत समझ में आई, तो ये बता दीजिए अल्लाह सुब्हान व तआला जो फरमाता है सूरह अत्तौबा की आयत नंबर 31 में कि और उन्होंने अपने आलिमों को उलमाओं को दरवेशों को अपना रब बना लिया है, तो यहाँ पे मेरे अभी तकलीफ करा तो नहीं, बड़ों का हवाला करते हैं ना वो सब तकलीफ कर रहे हैं, समझ गए, अरे दुनिया तकलीद करे दुनिया जाहिल बन जाए, दुनिया शराब पीने लगे दुनिया दलील थोड़ी ना है,
दलील मेरे भाई ये बताइए, दूसरों की गलती को देख के मजा बनाते हैं क्या अपना? दूसरों की गलतियां देख के मेरे भाई आप क्या मेरे भाई अपना मजा बनाते हैं? आप कुरान मजीद को फिर अपने पांव से लाइए, नबी से लेकर आइए फिर अपने पांव से। हाँ तो नबी से अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुंची हदीस है, ठीक है। आपको ऐसा पूरी सनद मौजूद है, जब भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह या कोई भी मुहद्दिस अगर हदीस को मेरे भाई जमा करता है तो उसमें मेरे भाई बाकायदा सनद होती है। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई इशाबाद फोन कीजिएगा, पूरी तैयारी करके फोन कीजिएगा, ठीक है। अरे हमारी पूरी तैयारी, आप साहब आप ही पता है क्या तैयारी है भाई, आता ना जाता चुनौती चाहता। चलिए ठीक है, रात को कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझाते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह आपको हिदायत।